व्यवसाय का अध्ययन के अंतर्गत हम इकाई 5 में अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे थे। अध्याय 7 जो कि संगठन चैप्टर का नाम है, अर्थ महत्व प्रक्रिया एवं संरचना के अंतर्गत। अभी इसके पूर्व हमने जाना था संगठन से आशय क्या है, संगठन क्या कहलाता है, इसकी प्रकृति क्या थी, विशेषताएं क्या थी, उसके सिद्धांत कौन कौन से थे, संगठन के उद्देश्य और उसका महत्व क्या था, और साथ ही संगठन की प्रक्रिया क्या होती है। अब यहाँ हम देखेंगे संगठन संरचना या ढांचा से आशय और उसके निर्धारित घटक, साथ ही संगठन के प्रारूप, जो दो प्रकार के प्रारूप हैं इसमें, कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागी संगठन ढांचा, साथ ही कार्यात्मक एवं प्रभागी संगठन ढांचे में अंतर कौन कौन से हैं, और अंत में इस अध्याय से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि एक उपक्रम की संगठन जो संरचना होती है या जो ढांचा होता है वो क्या कहलाता है, संगठन संरचना से या ढांचे से आशय। यहाँ हमारे सामने इसकी परिभाषा है, संगठन संरचना से आशय संगठन के उद्देश्य के अनुरूप उसकी प्राप्ति के लिए उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के बीच कार्य का विभाजन, उनके कर्तव्य दायित्व व अधिकारों का निर्धारण व उनके बीच औपचारिक संबंधों की स्थापना से है। तो एक उपक्रम में या एक संस्था में हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। एक कार्यालय में यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे एक कार्यालय में एक कमरे में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। अब जब वो लोग कार्य कर रहे हैं यहाँ पर तो हर एक का कार्य अलग अलग है, साथ ही उनके कार्य करने के जो दायित्व हैं, उनके जो कर्तव्य हैं वो भी सबके अलग अलग हैं, सभी कर्मचारियों के जो अधिकार हैं वो भी अलग अलग हैं। अब उस कार्यालय में उन सबके बीच सब लोग काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में संबंध कौन से हैं, औपचारिक संबंध है, ऑफिशियली संबंध है। तो उपक्रम में जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं यहाँ पर उनके बीच में औपचारिक संबंध की जो स्थापना होती है वो किसके माध्यम से होती है, संगठन संरचना के माध्यम से। फ्रेड लुथान्स के अनुसार जो है संगठन संरचना से आशय संस्थागत व्यवहार के लिए बनाए गए ढांचे से है। इस प्रकार से संगठन संरचना या ढांचा यह बताता है कि उपक्रम में कार्यरत प्रबंधकों व कर्मचारियों को संगठन में क्या कार्य करने हैं, उनके अधीनस्थ कौन हैं, उनके वरिष्ठ कौन हैं, उन्हें अपने वरिष्ठों से क्या अधिकार प्राप्त हैं तथा अपने अधीनस्थ को कितने अधिकार प्रदान करने हैं, उनके उत्तरदायित्व तो कौन कौन से हैं व उनका निर्वहन किस प्रकार करना है। तो प्रबंध का जो विस्तार है वो संगठन संरचना को विस्तृत रूप प्रदान करता है। मतलब जितना प्रबंध का क्षेत्र होगा, जितना बड़ा प्रबंध का विस्तार होगा, उतना ही बड़ा हमारा संगठन संरचना का रूप भी होगा। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य एक प्रवक्षक पर्यवेक्षक द्वारा अपने कितने अधीनस्थों का प्रभावपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सकता है, एक व्यवसायिक उपक्रम का उपयुक्त संगठन संरचना संप्रेषण प्रवाह को सरलता प्रदान करता है व संचालन पर अच्छा नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्यवेक्षक जो होता है वो कितने अधीनस्थों पर प्रभावपूर्ण ढंग से उनकी निगरानी कर सकता है। तो संगठन संरचना जो है उपक्रम को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिससे वह एक एकीकृत इकाई के रूप में विभागों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को नियमित एवं समन्वित करने में सामर्थ्यवान होता है। तो इस प्रकार से संगठन संरचना वह है जो उपक्रम की आवश्यकता अनुसार प्रबंधक कर्मचारियों के कर्तव्य, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है, वो कहलाती है संगठन संरचना या संगठन ढांचा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक संगठन संरचना को जब हम तैयार करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ये घटक प्रमुख हैं, जैसे नंबर एक उपक्रम का उद्देश्य। तो संगठन संरचना को निर्धारित करते समय, बनाते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक उपक्रम का उद्देश्य किस प्रकार का है, उसकी व्यूहरचना किस प्रकार की है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें संरचना का निर्धारण करना होता है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। एक संरचना का जब हम निर्धारण करते हैं
तो ये देखना होता है कि संगठन संरचना ऐसी हो जिससे व्यवसाय क्षेत्र विशेष के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश आदि के बदलते परिवेश के प्रभाव को वहन कर सके तथा उसका संचालन कुशलता से कर सके। तो जब हम संगठन संरचना का निर्धारण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि व्यवसाय का जो क्षेत्र विशेष है उसकी आर्थिक स्थितियाँ भविष्य में कैसी होंगी, सामाजिक कैसी होंगी, राजनीतिक परिवेश आदि कैसे हो सकते हैं, बदल सकते हैं, तो उस हिसाब से उन स्थिति परिस्थिति में भी वो उसका संचालन कुशलता से कर सके। तो ऐसी संगठन संरचना का हमें यहाँ निर्माण करना चाहिए। फिर बात आती कार्य क्षेत्र की। एक उपक्रम का जो कार्य क्षेत्र है वो ढांचे को निर्धारित करता है। व्यवसाय का क्षेत्र यदि स्थानीय है तो उसके अनुरूप हम संरचना का ढांचा बनाते, प्रादेशिक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय है तो उसके अनुरूप हम संगठन संरचना को बनाते। तो इस प्रकार से व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो संगठन ढांचे को विस्तार प्रदान करता है। फिर बात आती है उत्पादन की प्रणाली। उपक्रम की उत्पादन प्रणाली के अनुसार संरचना का निर्माण किया जा सकता है, जैसे विभागों की संख्या और कर्मचारियों का अनुपात आदि। फिर तकनीक की बात करें हम, तो वर्तमान क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र में नई नई तकनीकों का आगमन होने से प्रबंध का आकार छोटा हो गया। आधुनिक तकनीक के दौर में गैर तकनीकी व्यक्तियों की कम व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक होती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर संगठन संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उपक्रम में जो हम तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी संगठन संरचना को प्रभावित करती है। तो यहाँ हमने देखा संगठन संरचना को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं, जो तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। ये इसके बाद हम देखेंगे दो प्रकार के संगठन ढांचा या संगठन संरचना का दो प्रकार होते हैं, एक कार्यात्मक संगठन ढांचा और दूसरा होता है प्रभागीय संगठन ढांचा। सामान्य तौर पर जो भी संगठन ढांचा हम बनाते हैं उसको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या कहलाता है। तो एक इसके अंतर्गत जो है संरचना को समस्त कार्य के बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। यह संगठन का सबसे प्रचलित रूप है। इसमें समस्त कार्यों को विभिन्न विभागों में इस प्रकार समूहबद्ध कर दिया जाता है कि प्रत्येक विभाग अपने से संबंधित कुछ विशिष्ट कार्यों को करने का दायित्व ले लेता है। अतः इसके अंतर्गत सभी क्रियाओं को मुख्य या मूल कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। इसी आधार पर इन्हें अलग अलग विभागों के अधीन रखा जाता है। जैसे निर्माणी उद्योग में उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, इंजीनियर विभाग व वित्त विभाग आदि होते हैं, एवं एक व्यापारिक संगठन में क्रय विभाग, विपणन विभाग और भंडारण विभाग हो सकते हैं। तो यहाँ हम एक प्रारूप हमारे सामने है, हम कार्यात्मक संगठन ढांचे का यहाँ हम देखते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पर बताया कि समस्त कार्यों को हम विभिन्न विभागों में इस प्रकार से समूहबद्ध कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे उत्पादन विभाग हो गया, विपणन विभाग हो गया, इंजीनियरिंग विभाग हो गया और वित्त विभाग हो गया। अब यहाँ उत्पादन विभाग के अंतर्गत जो कार्य होंगे, उत्पादन से संबंधित, उत्पादन व्यवस्था, उत्पादन से जुड़े हुए माल का क्रय किया जाएगा और क्वालिटी कंट्रोल उत्पादन विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं विपणन विभाग का कार्य क्या होगा, विक्रय का नियोजन किया जाएगा, किस प्रकार से विक्रय किया जाना है इसको निर्धारित किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन किया जाएगा, फिर माल को तरह तरह से हम किस प्रकार से बेच सकते हैं इस संबंध में जो है खोज की जाएगी विक्रय अनुसंधान के अंतर्गत। फिर यहीं एक और विभाग इंजीनियरिंग विभाग है, जैसे इसमें इंजीनियरिंग से संबंधित जो है उत्पादन से जुड़ी हुई टेक्निकल चीज़ें, इंजीनियरिंग प्रशासन हो गया, डिजाइनिंग से संबंधित प्रशासन हो गया, पैकेजिंग वगैरह जो भी तैयार माल को कर रहे हैं ये इंजीनियरिंग विभाग का काम हो गया। फिर इससे जुड़ा हुआ वित्त विभाग, जैसे इसमें वित्तीय लेखांकन जो भी हिसाब किताब है उनको तैयार करना, लागत को निकालना, तैयार माल के बजट को निर्धारित करना, ये वित्त विभाग का काम होगा। अब इन सब के ऊपर जो है प्रबंध संचालक जो है इन सब पर अपनी निगरानी रखता है। लेकिन यहाँ पर जो विभाग बने हैं, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, वित्त विभाग, ये प्रत्येक विभाग जो हैं अपने अपने ऊपर विशिष्ट कार्य को करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो ये कहलाता है कार्यात्मक संगठन ढांचा। इसके बाद हम देखेंगे इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा हमें बताता है कि इसमें जो है प्रत्येक विभाग को विभागीकृत कर दिया जाता है, अलग अलग
विभाग में सौंप दिया जाता है तो विशिष्टीकरण का गुण इससे आता है। तो जब कार्य को कार्य के प्रकार के आधार पर समूह में रखा जाता है तो सभी कार्य केवल एक ही प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार का कार्य कम समय में अधिक व अच्छा किया जा सकता है। तो इससे विशिष्टीकरण कर्मचारी के काम में आता है। फिर समन्वय की स्थापना, एक विभाग में काम करने वाले सभी अपने अपने जाप के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, इससे विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। फिर प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, एक ही काम को बार बार करते हैं तो प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। फिर प्रयत्नों को कम से कम दोहराना, संगठन के इस प्रारूप में प्रयत्नों की अनावश्यक दोहराई समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि विभाग बार जो कार्य इसमें बटा होता है तो सभी अपने अपने कार्यों को करते हैं तो अनावश्यक रूप से जो दोहराई है वो यहाँ समाप्त हो जाती है। फिर इसके दोष या हानि की बात करें हम तो संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। यहाँ चूंकि प्रत्येक विभाग का प्रमुख मुखिया होता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और ये मुखिया जो है अपने हमेशा अपने विभाग के उद्देश्य को ही महत्व देता है, अतः संगठनात्मक उद्देश्य जो है उनकी यहाँ पर हानि होती है, वो सिर्फ अपने विभाग के उद्देश्य को ही ध्यान में देता है। फिर दूसरा अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, सभी विभागीय अध्यक्ष जो हैं अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, इससे विभाग के अंदर तो समन्वय स्थापित होता है परंतु अंतर विभाग जो उस विभाग के अंदर छोटे विभाग हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। फिर संपूर्ण विकास में बाधा, ये कर्मचारी के पूर्ण विकास में रुकावट है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी कुल जाप के एक छोटे से भाग का विशेषज्ञ बन जाता है, तो इस स्थिति में वो सिर्फ उतने ही भाग का ही विशेषज्ञ बनकर रह जाता है, वो उतना ही कार्य करता रह जाता है, उसका संपूर्ण विकास जो वो नहीं हो पाता। फिर लाभ की जिम्मेदारी, इसमें उपक्रम के लाभों की जिम्मेदारी प्रबंध संचालक अथवा मुख्य प्रबंधक पर अकेले आ पड़ती है, अतः उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए उपक्रम के लक्ष्यों को पूरा कर पाना उसके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यहाँ लाभ की जिम्मेदारी जो है वो उसको यहाँ पर प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये हमने जाना और देखा कि कार्यात्मक संगठन के जो दोष हैं, जो हानि है वो कौन कौन से हैं और उसके जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो कहलाता है प्रभागी संगठन ढांचा। तो यहाँ पर प्रभागी संगठन ढांचा, यहाँ हम देखेंगे जो उपक्रम या संस्था या व्यवसायिक संगठन जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं और अपनी प्रमुख क्रियाओं को उत्पादन या सेवा के आधार पर विभिन्न विभागों में बांट देते हैं, अर्थात उनका जो उत्पादन है, उत्पादन या सेवा के आधार पर जो है वो कार्यों को क्रियाओं को विभिन्न विभागों में बांटते हैं, वो कहलाता है विभागीकरण। अलग अलग विभाग उत्पादन के अनुसार बांट देना या सेवा के अनुसार बांट देना वो विभागीकरण, उसे उत्पादन या सेवा विभागीकरण कहते हैं। विभागीकरण उत्पाद के आधार के अतिरिक्त क्षेत्र के आधार पर तथा ग्राहक के आधार पर भी होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की बात करें हम, जो हमें प्रारूप में हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें रेडियो विभाग, टेलीविजन विभाग और कंप्यूटर विभाग बनाए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि रेडियो डिपार्टमेंट है जिसका, टेलीविजन डिपार्टमेंट है और कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इन तीनों को उसने अलग अलग पृथक पृथक विभाग के रूप में बना दिया। अब यहाँ पर ये जो तीनों विभाग हैं अलग अलग, ये एक फर्म के रूप में काम कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक विभाग में उत्पादन एवं विक्रय, वित्त, इंजीनियरिंग, कार्मिक आदि कार्यों के लिए उप विभाग बना दिए गए। अब यहाँ पर यदि हम रेडियो की बात करें, रेडियो विभाग जो है, तो रेडियो विभाग जो है उत्पादन से जुड़े हुए, विक्रय से जुड़े हुए, वित्त से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, कार्मिक से जुड़े हुए, कार्यालयीन से जुड़े हुए सारे कार्य जो है रेडियो विभाग के अंतर्गत किए जाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब रेडियो विभाग जो है वो एक फर्म के रूप में हो गया जिसके अंतर्गत उत्पादन विभाग अलग है, विक्रय विभाग अलग है, वित्त विभाग अलग है, इंजीनियरिंग विभाग अलग है, कार्मिक विभाग अलग है। तो प्रत्येक विभाग में उत्पादन व विक्रय, वित्त, इंजीनियरिंग, कार्मिक आदि कार्य के लिए उप विभाग हमने बना दिए। इस प्रकार प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति व लाभ हानि के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक विभाग है वो अपनी प्रगति के लिए, लाभ हानि के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो ये कहलाता है प्रभागीय संगठन ढांचा। पुनः एक बार बता दूं कि यहाँ पर जब बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और उत्पादन या सेवा के आधार पर हम पर्टिकुलर विभिन्न विभागों को अलग अलग बांट देते हैं
और प्रत्येक विभाग जो है उसका आकार इतना विस्तृत होता है कि वो एक फर्म के रूप में कार्य करता है, वो कहलाता है प्रभागी संगठन ढांचा। अब इसके हम देखेंगे लाभ और इसकी हानि क्या क्या है। तो सबसे पहला जो लाभ है इसका, विभागीय प्रबंधकों का विकास। प्रत्येक प्रबंधक जो है अपने उत्पादन एवं अपने विभाग से संबंधित सभी कार्य देखता है, तो उसको अपने विभाग से संबंधित विभिन्न कौशल उसके विकसित होते हैं, उसकी कार्यकुशलता आती है। फिर विभागीय परिणामों की जानकारी, इस आधार पर जो है अलाभदायक विभागों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। यदि ऐसे कोई विभाग हैं जो कि नुकसानदेह हैं या जिन नुकसान हो रहा है उतनी उनसे निष्पादन उनका पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन विभागों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। फिर शीघ्र निर्णय, एक विभाग का प्रबंधक जो है अपने विभाग के बारे में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए वो डिसीजन यहाँ शीघ्रता से ले सकता है। फिर उपक्रम का विकास, इसका अंतर्गत जो है इसका मुख्य ध्यान ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि पर होता है, जिससे उपक्रम को लाभ प्राप्त होता है व उसका विकास होता है। फिर इससे प्रत्येक उत्पाद या विभाग के लाभ हानि का मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। प्रत्येक विभाग की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं, ये इसके कुछ लाभ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके हानि या दोषों की। तो संघर्ष की भावना, चूंकि अलग अलग विभाग होते हैं, हर विभाग स्वतंत्र होता है, तो इनके प्रबंधकों के बीच संघर्ष की स्थिति बनती है। सभी विभागीय प्रमुख जो है संगठन पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। फिर कार्य की दोहराई, प्रत्येक विभाग के लिए सभी क्रियाएं प्रदान की जाती है, इससे कार्यों की अनावश्यक दोहराई होती है और लागत बढ़ती है। फिर स्वार्थी प्रकृति प्रवृत्ति, प्रत्येक विभाग का यह प्रयत्न रहता है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे, इससे पूरी संस्था के हित को ठेस पहुंचती है, अर्थात वो सिर्फ अपने विभाग का प्रदर्शन बेहतर करने के हित में लगा रहता है, वह अन्य विभागों के हितों को अनदेखा कर देता है। फिर स्टाफ लागत में वृद्धि, प्रभागी संगठन में प्रत्येक विभाग के लिए समान कार्य होने के बाद भी अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है, जिससे क्या होता है स्टाफ लागत में वृद्धि होती है। तो ये हमारे सामने थे प्रभागी संगठन के कुछ लाभ और उसकी कुछ हानियां। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में अंतर, कार्यात्मक संगठन ढांचों और प्रभागी संगठन ढांचे में अंतर। पृथक विभाग की बात करें हम, तो कार्यात्मक संगठन ढांचे में प्रमुख कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, और कार्यात्मक विभाग जो है वो संगठन की क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है। जबकि प्रभागी संगठन में उत्पाद के लिए अलग अलग विभाग होता है, और जो उत्पाद है वो विभागीकरण संगठन की इकाई कहलाते हैं। फिर विशिष्टीकरण की बात करें, तो कार्यात्मक संगठन ढांचे में जो है व्यवसायिक विशिष्टीकरण पाया जाता है, जबकि प्रभागी संगठन में उत्पादन के अनुसार विशिष्टीकरण पाया जाता है, अर्थात ये व्यवसाय के आधार पर इसका विशिष्टीकरण होता है और प्रभागी संगठन ढांचे में उत्पाद के अनुसार विशिष्टीकरण होता है। फिर आदेश की एकता की बात करें, कार्यात्मक संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत पाया जाता है, जिससे नियंत्रण करना आसान होता है। प्रभागी संगठन में चूंकि अलग अलग विभाग होते हैं, इसलिए इसमें आदेश की एकता का अभाव होता है, अतः नियंत्रण करना कठिन होता है। समन्वय की बात करें, तो कार्यात्मक संगठन ढांचे में विभिन्न विभागों में समन्वय करना एक कठिन कार्य होता है, जबकि प्रभागी संगठन में विभागों के बीच में समन्वय करना सरल होता है। उत्तरदायित्व की बात करें, तो कार्यात्मक संगठन ढांचे में लाभ का उत्तरदायित्व किसी एक विभाग पर डालना संभव नहीं होता, अर्थात यहाँ पर जो है लाभ हानि का उत्तरदायित्व जो है सभी विभागों में बढ़ जाता है। जबकि प्रभागी संगठन ढांचे में जो कि उत्पाद के आधार पर विभाग तय किए जाते हैं, इसलिए लाभ का उत्तरदायित्व जो है प्रत्येक विभाग पर डालना संभव हो जाता है, उनको जिम्मेदार ठहराना संभव हो जाता है। फिर कार्यात्मक संगठन में प्रबंधकों का विकास संभव नहीं होता, कार्यात्मक संगठन में जो है प्रबंधकों का विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जबकि प्रभागी संगठन में प्रबंधक द्वारा विभाग के सभी कार्य देखने के कारण वो उसकी चतुर्मुखी प्रतिभा बन जाती है और वो उसका डेवलपमेंट और विकास होता है। फिर मितव्ययिता की बात करें, तो कार्यात्मक संगठन ढांचा जो है वो मितव्ययी होता है, जबकि प्रभागी संगठन ढांचा खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग विभाग उत्पादन वाइज बनाए जाते हैं, और कार्यात्मक संगठन ढांचे में जो है कार्य के आधार पर विभाग
होते हैं, इसलिए ये बचत वाला होता है, जबकि प्रभागी संगठन ढांचा विभागीय उत्पादन के आधार पर विभाग बनाने के कारण इसका ढांचा जो है खर्चीला अर्थात अधिक व्ययपूर्ण हो जाता है। तो ये है कार्यात्मक संगठन संरचना एवं प्रभागी संगठन संरचना में अंतर। इसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको आपको कॉपी में नोट करना है। जैसे संगठन संरचना क्या कहलाती है, इसका अर्थ आपको लिखना है। संगठन के अंतर्गत एक उपक्रम की संगठन संरचना को निर्धारित करने वाले घटकों को आपको समझाना है। फिर रोहन उत्तर दिल्ली में भोजन व्यवसाय संबंधी व्यवसाय चला रहा है, सफलता प्राप्त होने पर व्यापार को उसने विस्तृत किया और अलग अलग विभागों की स्थापना करना चाहता है, यहाँ आप उसे किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे को अपनाने का सुझाव देंगे। ये जो प्रश्न है ये एक व्यवहारिक प्रश्न है, इसका संकेत के रूप में आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर कि रोहन को जो है कार्यात्मक संगठन ढांचे को अपनाना चाहिए क्योंकि उसका व्यवसाय छोटा है, कार्यात्मक है। यहाँ पर उसके जो लाभ हैं उसके जो हानि है आपको कार्यात्मक संगठन ढांचे के, उसको आपको यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। फिर प्रभागी संगठन ढांचा क्या कहलाता है, उसके लाभ और हानि को समझाइए, और अंतिम है कार्यात्मक एवं प्रभागी संगठन ढांचे के बीच क्या अंतर है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हमने संगठन संरचना के अंतर्गत संगठन संरचना से आशय, संगठन ढांचा क्या कहलाता है, साथ ही कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या है, प्रभागी संगठन ढांचा क्या है और उसका अंतर क्या है, इसके बारे में यहाँ हमने जाना। तो